हेलो, वेलकम टू नैना फूड हैबिट एंड खुश आमदीद मेरे नैना फूड हैबिट चैनल में। सो आज एक कुछ नया रेसिपी के साथ हम अपने चैनल में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें कि जो स्पेशल डिश के अंदर कुछ मौजूद है वो हम आपको अभी बिल्कुल दिखाने वाले हैं। सो विच इज़ नॉट समथिंग अमेजिंग, इट्स डिलीशियस। सो चलिए, what is inside it in this dish check करते हैं। so ये लीजिए, ये है हमारी शकरकंद, and in the sense you can say it a sweet potato। so sweet potato की आज हम चाट बनाने वाले हैं, जो बहुत ही simple है। basically ये आपका जो vegetable भी कह सकते हैं आप इसको, ये आपको mostly जब आपका विंटर्स स्टार्ट होने वाले आते हैं तभी ये अवेलेबल होती है। सो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो सारे बेनिफिट मैं आपको आगे बताऊंगी। सो बिफोर दिस मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि क्या इस रेसिपी को हम किस तरीके से बनाते हैं और क्या इसको किस तरीके से पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से तैयार करके सर्व करते हैं, कैसे हम इसको ईट करते हैं। सो ये है हमारी स्वीट पोटैटो, जिसको कि सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश अच्छे तरह से कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये आपका अंडरग्राउंड ग्रो होता है। सो इसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करना होता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आप इसको सोख लेंगे, कपड़े की हेल्प से अच्छी तरह से सोख लेंगे। देन फिर क्या करेंगे आप इसको, मैंने जो किया है इसमें, मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, रोस्ट किया है, ताकि जो इसके स्वीट, जो इसके अंदर मीठापन है वो इसमें कायम रहे। तो ये एक अच्छा टिप्स है कि शकरकंद को आप बॉईल ना करके आप इसको राख में अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए, दैट इज़ बेटर। और इसीलिए इसमें इसका जो स्वीट है वो मेंटेन रहता है। सो नेक्स्ट जो इसमें करना है वो मैंने इसको अच्छी तरह से रोस्ट तो कर ही लिया है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। अभी इसका क्या करना है कि इसका छिलका बिल्कुल निकाल लेना है। सो इसको पील ऑफ करेंगे, आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इट्स वेरी इजी, आप हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और नाइफ के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्लैक्स की तरह बन जाते हैं और इस तरह से ईजिली आपके निकल जाते हैं। तो ये इसकी एक पहचान है, जब ये रोस्ट हो जाती है ये इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम इसको विद द हेल्प ऑफ सम नाइफ उससे पील ऑफ करेंगे, देन हम इसको चाट के तौर पर सर्व करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो स्वीट पोटैटो को कैसे इसको पील ऑफ करना है, तो इस टाइप से ये देखिए, जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती है, जो अच्छी शकरकंद का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है उसकी, वो आपकी येलो येलो अंदर से निकलती है इस तरीके से, और ये ब्लैक पड़ जाती है क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, तो ये ब्राउन हो जाती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप ये लेंगे स्पून की हेल्प से भी आप इसको इस तरीके से निकाल कर और ऐसे आप इसको खा भी सकते हैं। तो ये सारा जो भी छिलका इसका निकला है वो इस तरीके से निकल जाएगा। देन आप क्या करते हैं, आप एक बाउल लेंगे, पहले से ही मैंने इसको तैयार कर लिया है, तो मैंने एक बाउल लिया और उसमें जो मेरी शकरकंद बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई थी, अच्छी तरह से रोस्ट हो गई थी, उसका ये हलवा टाइप का बन गया है। तो आप ऐसे लेंगे और इसको आप खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में, और जो थोड़ी सी आपकी क्रंची रह जाती है उसके आप पीसेस बना सकते हैं इस टाइप से। इसमें थोड़ा सा और टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा आप इसमें रॉक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक। तो इस तरीके से आप इसमें इसको इसके ऊपर डालेंगे, तो ये आपकी सॉल्टी एंड स्वीट दोनों का फ्लेवर देगी। तो इस तरीके से हमारी जो शक्करकंद है यानी स्वीट पोटैटो, उसकी जो चाट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई है। देखने में तो ये यम्मी लगी रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। सो व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपको रिकमेंड है कि आप सर्दी के मौसम में स्वीट पोटैटो खाइए, घर पे लाइए,
कैसे भी आप उसको खाइए, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। काफ़ी चीज़ें के काफ़ी जो हेल्थ जो काफ़ी न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करेगी आपकी हेल्थ के लिए। सो जो भी इसमें बेनिफिट मिलते हैं वो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए। सो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा चैनल का नाम नैना फूड हैबिट है। सो ईट हेल्थी, थिंक हेल्थी एंड मेक द डिशेस डिलीशियस विद क्लीन हेल्थी टच। सो कीप वॉचिंग।